हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ आपको जो मोबीक्विक में जो शॉपिंग लोन मिलता है उस लोन को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट लास्ट तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा डिटेल के साथ बताने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आपको जो मोबीक्विक में जो शॉपिंग के लिए लोन मिलता है 60,000 का, उसको आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट पूरा लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। पूरा वीडियो कंप्लीट लास्ट तक देखना बिना स्किप किए हुए, ताकि फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि आप इसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ भी सकते हो। मैं सभी के कमेंट के रिप्लाई भी करता हूँ और आपको इंस्टाग्राम पर मैं सभी को रिप्लाई करता हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आज ले जाऊंगा आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, जहाँ पर मैं आपको मोबीक्विक एप्लीकेशन ले जाकर कंप्लीट बताता हूँ कि इसको आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमारे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर मैंने यहाँ पर मोबीक्विक एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। देन इसके बाद आपको, जैसे आप ओपन कर लेते हो, इसके बाद में आपको सी ऑल सर्विस पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको इस लोन वाले सेक्शन में जो आपको लोन मिलता है 60,000 रुपये का, ठीक है, आपको ये लिमिट मिलती है, इससे आप कहीं पर भी शॉपिंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको आप अपने बैंकों में ट्रांसफर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये आपको यहाँ पर कंप्लीट में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे आप इस लोन वाले सेक्शन पर आ जाते हो, यहाँ पर आपको ऐसा ऑप्शन दिखता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर 60,000 रुपये का लोन आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए दिखता है। पर फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपने अप्लाई कर दिया है और आपको यहाँ पर लिमिट मिल गई है, तो फ्रेंड्स इसको आप अपने बैंकों में ट्रांसफर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इस तरह से आगे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस ओपन होता है। इससे आप कहीं पर भी शॉपिंग कर सकते हो, ईएमआई पर कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो, किस्तों पर आप कोई भी प्रोडक्ट आप इजिली खरीद सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आप अगर टाइम टू टाइम इस पेमेंट को करते हो तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी लिमिट देखने को मिल जाती है इस मोबीक्विक के लोन की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मैं क्लियर एक बात कर देता हूँ, यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक लाइन लिखी हुई दिखेगी, शॉपिंग लोन मनी इज़ नॉट ट्रांसफरेबल टू बैंक, यानी फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप इस मनी को आप अपने बैंकों में ट्रांसफर नहीं कर सकते। ऊपर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पास एक और तरीका है। यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर आपको अमेज़ोन का वाउचर बनाने का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आपको यहाँ पर लिमिट मिली होगी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अगर वाउचर बनाने का एक ऑप्शन मिलता है तो फ्रेंड्स आप इजीली यहाँ पर एक कर सकते हो। यहाँ पर फ्रेंड्स, हाँ, आपको शायद मिला होगा यहाँ पर वाउचर बनाने का ऑप्शन, यहाँ पर दिख रहा है अमेज़ोन का भी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पर इस लोन की लिमिट मिल गई है आपको, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको वाउचर बनाने का एक ऑप्शन मिला है, तो आपको क्या करना है, आपको अमेज़ोन का एक वाउचर क्रिएट करना है। अमेज़ोन वाउचर क्रिएट करने के बाद उस वाउचर को वहाँ अमेज़ोन में जाकर के उसको रिडीम कर देना है। रिडीम कैसे करना है, इस पर मैं आपको अगले आगे एक और वीडियो बना दूंगा, अगर आप ज्यादा कमेंट करोगे तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जैसे ही वाउचर बना करके वहां पर रिडीम कर लोगे, तो फ्रेंड्स आपका जो भी अमेजोन के जो वाउचर बनाओगे, उस वाउचर का जो पैसा है फ्रेंड्स, आपके अमेजोन में जो वॉलेट मनी होते हैं उसमें एड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसको आप अपने स्नैपपे एप्लीकेशन के जरिए इजिली आप अपने बैंकों में ट्रांसफर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, सिंपल सबसे बेस्ट तरीका यही है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है जिससे आप इस मनी को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाओ। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर मोबीक्विक की तरफ से यहाँ पर पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि शॉपिंग लोन मनी को आप अपने बैंकों में ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। यहाँ पर एक क्लियरली आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको कंप्लीट पढ़ सकते हो। बस आपके पास यही तरीका है, आपको अमेजोन का वाउचर बनाना है और अमेजोन वाउचर के द्वारा आप अपने बैंकों में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। बस यही तरीका है, इसके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलता है अपने बैंकों में पैसे ट्रांसफर करने का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये दोनों तरीके थे मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर क्लियर मोबीक्विक की तरफ से तो यहाँ पर क्लियर किया गया है कि इस मनी को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, ये इसका मैंने आपको कंप्लीट प्रूफ दिखा दिया है। पर फ्रेंड्स, अगर इसे आप इसको ट्रांसफर करना चाहते हो तो फिर इसके लिए एक और अलग तरीका है, वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि आपको अगर अमेजोन वाउचर बनाने का एक ऑप्शन मिलता है तो आप अमेजोन वाउचर बना करके आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। अमेजोन वाउचर आपको बनाना है सिंपल, अगर आपको अमेजोन का वाउचर बन जाता है उन पैसों से, तो फ्रेंड्स वहाँ पर क्या करना है, सिंपल आपको जाना है अपने स्नैपपे एप्लीकेशन में, स्नैपपे एप्लीकेशन में जाकर के वहाँ से आप अमेजोन वाउचर का, यहाँ पर जो भी आपके अमेजोन में जो पैसा होगा वो सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये सिंपल तरीका है, इससे आपका इजीली हो जाएगा। पर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मोबीक्विक में आपको अमेजोन वाउचर बनेगा तो ही आप इसको यूज कर सकते हो, तभी आप अपने बैंक अकाउंट में इन पैसों को ट्रांसफर कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।